फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टडी पॉइंट को और इस बेल आइकन को दबाएं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन क्लासेस और डेली न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने थंबनेल देखकर पता लगा लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम नेवी डबल ए के एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, कब तक इसका रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका नेवी डबल ए का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आप सभी को पता होगा पिछले बार जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, इसमें जो आपकी एग्ज़ाम डेट की जो रिज़ल्ट रखी जाती है वो ज़्यादातर रखी जाती है 15 डेज की। कितनी रखी जाती है? 15 डेज की, कि आपका रिज़ल्ट है वो 15 डेज के अंदर क्लियर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, तो देखिए आपके एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो 3, 4, 5, 6 मई को चले थे, यानी 3, 4, 5, 6 इस तरह से मई को आपको चले थे। और आपका जो रिज़ल्ट था वो कब आया था? आपका जो रिज़ल्ट था वो आया था आपका आपका जो रिज़ल्ट था वो आया था 21 मई को। कब आया था? 21 मई को। तो आपका रिज़ल्ट है वो 21 मई को आ गया था, यानी कि कुल कितने दिन है जो रिज़ल्ट बाद आ गया? 15 दिन बाद। अब बात कर लेते हैं हम आपके इंडियन नेवी के एग्ज़ाम की, जो कि आपका फरवरी में हुआ था। तो वो एग्ज़ाम हुआ था आपका 21 फरवरी को। गाइस कब हुआ था? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को होने के बाद जो उसका रिज़ल्ट था वो आया था आपका 6 या 8 तारीख को, कुछ ऐसा शायद 8 मार्च को आपका उसका रिज़ल्ट आया था। तो मात्र आपके 15 दिन के अंदर इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है। अब इसका रिज़ल्ट कब तक आया है, आने वाला है? तो इसकी जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है वो रहेगी आपकी, देखिए इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है, अब आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा जिसे कि आपके एग्ज़ाम है वो 9, 10 और 11 को हुए, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपका 26 और 27 तारीख को 100% आ जाएगा। 26 और 27 तारीख को, वो शायद हो सके तो एक दो दिन में इंडियन नेवी के द्वारा इसकी जो डेट है वो रिलीज़ कर भी दी जाए। अब बात कर लेते हैं हम फिज़िकल के बारे में, कि इसमें आपको फिज़िकल तैयारी कैसे शुरू करनी है। देखिए जिन लोगों का फिज़िकल कमज़ोर है, मान लीजिए वो अपनी रेस है वो 7 मिनट में नहीं कर सकते, यानी कि 7 मिनट में अपनी वो रेस क्लियर नहीं कर सकते, तो वो अपनी फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दे। क्योंकि देखिए अब आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है, उसका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा, तो उसके लिए भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है गाइज आपका पुशअप का। आपने सुना होगा कि जोधपुर में लास्ट टाइम जो फिज़िकल हुआ था उसमें क्या हुआ था कि 150 स्टूडेंट में से कम 60 के आसपास है वो आपके पुशअप में आउट कर दिए गए थे। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ का जो फिज़िकल है वो थोड़ा टफ होता है और स्टूडेंट तैयारी कम करते हैं, ये सोचते हैं कि यार SSR में 7 मिनट में रेस होती है, रेस को नहीं करते हैं और उसके साथ साथ पुशअप वगैरह है उनको भी नहीं करते हैं। तो आपको ये लापरवाही नहीं करनी है। जिनका फिज़िकल थोड़ा ठीक है उनको क्या करना है कि अपनी जो पुशअप है, रोज़ पुशअप डिप्स हैं जो आपको अच्छे से लगा लेनी है, क्योंकि वो वहाँ पर 10 लगवाते हैं बट 10 वो इस तरह से काम करती है जिस तरह से मान लो आपने 20 लगाई हो, क्योंकि एक बार वो अप बोलने के बाद आपको 10 से 15 सेकंड तक नीचे ही रहना पड़ता है, कभी आपको ऊपर ही रहना पड़ता है, तो इस तरह से उसमें बहुत ही आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आपका जो फिज़िकल है वो अभी से तैयार कर दीजिए। और देखिए फिज़िकल तो वैसे भी फिट रहना ठीक है, क्योंकि कभी भी अब मान लीजिए कोस्ट गार्ड का आपका एग्ज़ाम आया है, कोस्ट गार्ड के आपके सितंबर में एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आपको रनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कोस्ट गार्ड में आपका उसी दिन रिज़ल्ट आता है। और बात करें यदि हम नेवी SSR की, तो नेवी SSR में भी उसी दिन रिज़ल्ट आता है। तो आप अपना फिज़िकल है ख़ासतौर पर जो अपनी पुशअप है उनका सही से ध्यान रखें। अब वो आपको किस तरह से लगानी है पुशअप, यदि आपको इस तरह की एक वीडियो चाहिए कि किस तरह से सही पुशअप लगाई जा सकती है, तो मैं आपको एक मतलब कि आर्मी रेस करने वाले बंदे से उसके लिए मिलवा दूंगा कि आपको अच्छे से रेस, अच्छे से पुशअप किस तरह से लगानी चाहिए। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है इस वीडियो की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ये था आपका फिज़िकल और आपके नेवी डबल ए के रिज़ल्ट का क्राइटेरिया।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।